हेलो फ्रेंड, ये मेरा कोलियस का प्लांट है जो काफ़ी बड़ा हो गया है, पर इसमें बारिश के पानी जाने की वजह से मेरा ये स्टेम काला पड़ गया, सूख रहा है, ख़राब हो रहा है यहाँ से। और इसको हम कट करके इसको फिर से रिपोर्ट करेंगे। देखिए मेरे इस प्लांट में फ्लावर्स आ रहे हैं, कोलियस के प्लांट में फ्लावर्स भी आते हैं और उसमें सीड्स पॉट भी बनता है। आप इस कोलियस को सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट है, पर ये हमेशा आपके पास 2-4 साल 5 साल अगर आपके अपने पास रखना चाहते हो, इसकी कटिंग छोटी छोटी कटिंग्स लगाते रहें तो ये आपके पास हमेशा रहेगा। वरना ये जब काफ़ी बड़ा प्लांट हो जाता है तो ख़राब हो जाता है, सूख जाता है। तो आज हम अपने प्लांट को, अपने स्टेम को बचाने के लिए इसको कट करेंगे और इसको किसी और पॉट में रिपोर्ट करेंगे। देखिए मैं इसको काफ़ी नीचे से, जहाँ से ग्रीन है वहीं से कट कर रही, और देखिए मैंने अपनी ये स्टिक को कट कर लिया है। इसको कट करके फिर मैं नए पॉट में इसको रिपोर्ट करूँगी, जिसमें मैंने पहले से ही कोलियस की कटिंग लगाई हुई है। और यहाँ से फिर नए नए लीव्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ से मैंने कट किया नए स्टैम्प आ जाएगी। आप भी अपने प्लांट को ऐसे ही बचाएं। और आप अपने पास कोलियस प्लांट हमेशा रखना चाहते हो, उसकी कटिंग्स ऐसे लगाते रहें। देखिए मैंने इसमें लगाया हुआ, बारिश के पानी की वजह, जो बारिश का पानी देख के इस पॉट में गया तो पूरी मिट्टी एकदम गीली हो गई है। काफ़ी बारिश भी हुई इस साल। देखिए इसको मैंने कट कर दिया और ये जो लीव्स हैं अगल बगल इसको भी मैं हटा दूँगी। फिर मैं इसको फिर से कट करके अपने इसी पॉट में रिपोर्ट कर दूँगी, फिर देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है। मैं अपने कोलियस के प्लांट की कटिंग इसी की पॉट में लगाती हूँ, फिर अगर मुझे किसी नए पॉट में लगाना होता है फिर मैं उधर रिपोर्ट कर देती हूँ। देखिए कितना गीली मिट्टी है इसकी, इस वक्त बारिश नहीं हो रही है तो फिर धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा मिट्टी भी मेरी, नम जो है ज़्यादा नमी है ख़त्म हो जाएगी। जो मैंने छोटी छोटी कटिंग्स भी साइड से निकाली है उसको भी मैं लगा रही हूँ इसी पॉट में। देखिए मेरा रिपोर्टिंग हो गया। थैंक यू वेरी वेरी मच।